नमस्कार, मैं प्रवीणा गावित। एमयूटी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। महाराष्ट्र राज्य के प्रेरणा स्रोत दीन शोषितों के तारणकर्ता थोर समाज सुधारक राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, इन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। छत्रपति शाहू महाराज को एक भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। छत्रपति शाहू महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी, गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। शाहू महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंधित लगाया गया। उनके पिता का नाम श्रीमंत जय सिंह राव आबा साहेब घाटगे था। छत्रपति शाहू महाराज का बचपन का नाम यशवंत राव था। छत्रपति शाहू जी महाराज का निधन 10 मई 1922 मुंबई में हुआ। शाहू महाराज के मन में दलित वर्ग के प्रति गहरा लगाव था। वो एक थोर समाज सेवक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमयूटीवी न्यूज। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। वट सावित्री व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जिसे सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और संतान के कुशल भविष्य के लिए रखती है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है, जिसमें सभी सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पूजन करती है। हिंदू धर्म के अनुसार वट सावित्री व्रत का सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन महिलाएं अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए वट वृक्ष का पूजन करती है। पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, एमयूटीवी न्यूज। मुंबई शहर और उपनगरों में पिछले 3 दिनों से लगातार तेजी से बारिश शुरू है। अगले 4 दिन और भी तेज बारिश होने की संभावना है, ऐसा इशारा भारतीय हवामान शास्त्र विभाग ने दर्शाया है। मुंबई शहर और उपनगर में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है। अगले 4 दिन यानी कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को दक्षिण कोंकण और उत्तर कोंकण में कई विभागों में तेजी से बारिश होने की शक्यता है, ऐसा इशारा भारतीय हवामान शास्त्र विभाग ने दर्शाया है। 26 जून को गोवा में कई जगहों पर तेजी से बारिश होगी। 27 जून कोंकण गोवा के कई विभागों में भी तेज बारिश होगी। इसी के साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़े में भी कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, ऐसा इशारा भारतीय हवामान शास्त्र विभाग ने दर्शाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमयूटीवी न्यूज। बारिश के दिनों में होने वाले रेलवे अपघातों पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रेलवे ने IIT रूरल की मदद से ड्रोन विकसित करने का निर्णय लिया गया है। रेल ट्रैक से फिसल के होने वाले अपघातों का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहा है। इस कारण यह अपघात रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने IIT रूरल के मदद से ड्रोन विकसित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस ड्रोन की उत्तराखंड के रेल मार्ग पर जांच चल रही है। सार्वजनिक और खासगी भागीदारों में से और रेलटेल के मदद से यह ड्रोन विकसित किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। फिलहाल गैंगमन रेलवे पटरी की जांच करते हैं, लेकिन दुर्गम विभाग बारिश के दिनों में सभी रेलवे पटरी पर गैंगमन नहीं पहुंच पाते। इस कारण दो रेलवे पटरी का अंतर, रेलवे पटरी स्लीपर, बिजली वाहक तारों के साथ और भी अन्य जगहों पर यह ड्रोन की मदद से नजर रखी जाएगी। कई बार अपघात इंसानों के गलतियों की वजह से होने की बात निदर्शन में आई है। अब यह अपघात रोकने के लिए इस ड्रोन की मदद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमयूटीवी न्यूज। 11वीं प्रवेश के लिए जगह ज्यादा और विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण 11वीं प्रवेश लेने से कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहेगा। 11वीं प्रवेश के लिए मुंबई विभाग में से 231,391 विद्यार्थियों ने अर्ज किए हैं। इन विद्यार्थियों के लिए लगभग 298,405 जगह उपलब्ध की है। इस कारण प्रवेश लेने से कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहेगा। इस प्रक्रिया में सहभाग विद्यार्थी सामान्य गुणवत्ता यादि 29 जून को प्रसिद्ध की जाने वाली है। इस सूची में विद्यार्थियों को क्रम से उसका स्थान समझ सकता है, उसी के साथ उन्होंने भरे हुए अर्ज का तपशील देख सकेंगे। इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो वह दुरुस्त करने के लिए 3 जुलाई को शिक्षण उपसंचालक कार्यालय में दाद मांग सकते हैं। इसके बाद 5 जुलाई के बाद पहली सूची जाहिर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, एमयूटीवी न्यूज। एसटी महामंडल ने कर्मचारियों को फिर से सेवा में लिया है, इस कारण एसटी के कर्मचारियों में आनंद का वातावरण है। एसटी महामंडल ने हड़ताल में सहभाग कामगारों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। महामंडल में स्थायी स्वरूप में नियुक्ति न होने पर भी कंत्राटी स्तर के कामगारों ने हड़ताल में सहभाग लिया था। इस कारण महामंडल में नाराजगी थी। इन कामगारों को सेवा मुक्त करने के आदेश फिलहाल दिए गए हैं। इन कामगारों के अलावा जो भी मजदूर प्रतीक्षा यादि में है, ऐसे कंत्राटी कामगारों को फिर से काम पर लिया गया है। इन सभी कामगारों को 1 जुलाई 2018 से फिर नियुक्ति दी जाने वाली है।
ऐसे महामंडल ने स्पष्ट किया है। इन कर्मचारियों को फिर से सेवा में लेने की वजह से कर्मचारियों में आनंद का वातावरण है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, एमयूटीवी न्यूज। प्लास्टिक पाबंदी का सकारात्मक परिणाम नजर आ रहा है। नागरिकों से प्लास्टिक पाबंदी के कार्रवाई का स्वागत किया जा रहा है। प्लास्टिक पाबंदी के सकारात्मक परिणाम सभी जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। घरों में से दुकानों में से प्लास्टिक संकलन केंद्र में जमा किए जा रहा है। छोटे बड़े सभी बाजार पेठों में अब कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल किए जा रहा है। ग्राहकों की ओर से और विक्रेताओं की ओर से भी प्लास्टिक पाबंदी की कार्रवाई का स्वागत किया जा रहा है। कपड़े की थैली बार बार इस्तेमाल हो सकती है। ग्राहकों की ओर से कपड़े की थैलियों की मांग बढ़ते नजर आ रही है। पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टि से उठाए कदमों का सभी और स्वागत किया जा रहा है और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर निषेध किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, एमयूटीवी न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले समाचार में। तब तक के लिए नमस्कार।